हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पेंद्र धाकर एंड वेलकम टू फ्लाह एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वॉइस को चेंज करना एक्टिव टू पैसिव में, लेकिन यहाँ पे टेंस के रूल नहीं लगेंगे, यहाँ पे स्पेशल रूल लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस में वादा किया था कि मैं आपको आगे चल के स्पेशल रूल वाले वॉइस बताऊंगा, तो आज मैं उसी पे बात करूंगा। आज मैं इंपेरेटिव सेंटेंस को वॉइस को चेंज करूंगा। तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस दी जाती है, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को कुछ हम जैसे हमने प्रीवियस में जो हमने वॉइस को चेंज करते वैसे नहीं करते, यहाँ पे कुछ रूल लगते हैं, तो हम वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डर एंड कमांड पे। ऑर्डर एंड कमांड पे क्या होता है कि जब किसी को कोई ऑर्डर दिया जाता है यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला है लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा शट द डोर, क्या लिखा हुआ है, शट द डोर। तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा कैसे, पहले आएगा लेट, सब्जेक्ट क्या है, डोर, तो लेट द डोर बी, और इसका थर्ड फॉर्म तो शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है, तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी शट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको कैसे करेंगे, लेट, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो अ ग्लास ऑफ वाटर, इसके बाद बी, और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑफ द लाइट, तो क्या हो जाएगा, लेट लेट द लाइट, लेट द लाइट बी, स्विच का थर्ड फॉर्म होता है स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट स्विच्ड ऑफ। तो बिल्कुल सिंपल था। इस तरह के अगर कभी भी ऑर्डर एंड कमांड वाले क्वेश्चन होंगे तो आप उनको पैसे में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से, ये फॉर्मूला लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिएगा, ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर कभी एग्जाम में जैसे 10th 12th के एग्जाम अगर पूछे जाते हैं, तो जनरली कॉम्पिटिशन के एग्जाम पूछे जाते हैं, तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं, टेंस बेस्ड पे नहीं पूछते। पूछते भी हैं तो इतना खास ध्यान नहीं देते जितना इन पे देते हैं, और अधिकतर टीचर इसको नहीं पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिक्वेस्ट। जब भी किसी भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो और उसको हमें चेंज करना हो, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना होता है। बस क्या लिखना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की उसने, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। बस सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। तो सिंपल क्या लिखना है, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू, बस यू आर रिक्वेस्टेड और नथिंग एल्स। प्लीज गिव मी अ बुक, तो आप खुद बना सकते हैं, क्या होगा, यू आर Requested to give me a book, ठीक है। तो अब आते हैं सजेशन पे। सजेशन जब हम किसी को दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें यूज करना है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, द पुअर शुड बी, हेल्प का क्या हो जाएगा, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव द किड्स, तो क्या हो जाएगा, द किड्स शुड बी लव्ड, द किड्स शुड बी लव्ड। लव योर कंट्री, तो सिंपल क्या होगा, सब्जेक्ट में कंट्री है आपका, कंट्री शुड बी लव्ड, कंट्री शुड बी लव्ड। तो दिस इज द बेसिकली द ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड सजेशन। अब आते एक लास्ट और बचा हुआ एडवाइस। तो मैं एडवाइस को आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, जैसे कि हमने रिक्वेस्ट वाले क्वेश्चन किए जस्ट वैसा ही है। रिक्वेस्ट में क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यू आर एडवाइज्ड। क्वेश्चन में हमसे किसी ने कहा वर्क हार्ड, इसका एडवाइस दिया, तो इसको अपन क्या कर बोलेंगे, यू आर Advised to
वर्क हार्ड। तो सिंपल आपको जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू था, वैसे ही आपका यू आर एडवाइज्ड टू है। सिर्फ यहाँ पे एडवाइज में यू आर एडवाइज्ड टू लिखना है, बाकी पूरा का पूरा बोई का बोई जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपको बोई का बोई लिखना है। तो इसी के साथ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस के जो जितने भी टाइप होते हैं वो सब फिनिश हो गए। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको अभी तो और बॉयज़ में और भी टाइप होते हैं, अगर आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं आगे वीडियो बना कर दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।